दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट मैट्रिक वालों की स्कॉलरशिप आनी शुरू कब से होगी। मैंने आपको पहले एक वीडियो दी थी कि पर मैट्रिक वालों की स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई है, तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट मैट्रिक वालों की स्कॉलरशिप कब तक उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट वायरल भी दक्षिण। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक या अदर देन पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट मैट्रिक वालों की स्कॉलरशिप आनी शुरू कब से होगी। मैंने आपको पहले एक वीडियो दी थी कि पर मैट्रिक वालों की स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई है, तो दोस्तों मैं आप बताने जा रहा हूँ पोस्ट मैट्रिक वालों की स्कॉलरशिप कब तक उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, तथा आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता लगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 60 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। 26 जनवरी 2020 को प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कर कमलों द्वारा बटन दबाकर आप सभी के खातों में स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजना शुरू करेंगे। दोस्तों यह खबर निकल कर आ रही है कि जिन लोगों का स्टेटस वेरीफाई हो चुका था डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी की तरफ से 31 तारीख, मतलब कि 31 दिसंबर 2019 को, उन छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप 26 जनवरी को उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, तथा जिन छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप 26 जनवरी उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगी, 1 या 2 दिन बाद उनकी उनके अकाउंट्स में जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरी खबर क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि आपकी स्कॉलरशिप जब आएगी, जब आप यह बात सुनेंगे, यह बात यह है कि जिन लोगों का स्टेटस 31 दिसंबर 2019 यानी कि अभी कुछ दिन पहले, 6 या 7 दिन पहले वेरीफाई हो चुका है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी की तरफ से, उन लोगों की स्कॉलरशिप 26 तारीख को आएगी। लेकिन जिन लोगों का भी पेंडिंग में आ रहा है या कुछ स्टेटस वेरीफाई शो ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो सबसे नीचे का कॉलम होता है स्टेटस में वह शो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों का 31 तारीख को वेरीफाई हो चुका है उनकी तो 26 जनवरी तक आ जाएगी, लेकिन जिनका अभी तक शो नहीं कर रहा है स्टेटस कुछ भी, या पेंडिंग में दिखा रहा है, एक सस्पेक्ट दिखा रहा है, उनका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनआईसी की तरफ से सभी फार्मों की एक बार फिर से जांच की जा रही है, जो 17 जनवरी 2020 तक लास्ट होगी। मतलब कि 17 जनवरी 2020 तक अगर आपका फॉर्म एनआईसी द्वारा चेक कर लिया गया है तो आपकी स्कॉलरशिप 26 जनवरी उसके आसपास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख लास्ट दी गई है सरकार की तरफ से कि 17 तारीख तक एनआईसी के द्वारा आपके द्वारा भरे गए फॉर्म की अंतिम प्रक्रिया, मतलब आवेदन चेक का अंतिम प्रक्रिया पर होगा। उसके बाद अगर आपका फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट्स में या खातों में नहीं आएगी। अब तक जिन लोगों के जांच चल रही थी फार्मों की, उनका अब अंतिम चरण है कि अंतिम चरण में 17 तारीख को चेक होगा। दोस्तों इसके बाद एक अंतिम प्रक्रिया की जाएगी 22 जनवरी या 23 जनवरी को कि ट्रेजरी, आपके जितने भी जिले पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी जिलों की ट्रेजरी में अंतिम बिल लगाया जाएगा, तथा यह बिल आपकी स्कॉलरशिप के लिए होगा। दोस्तों एक न्यूज और भी मुझे आपको बतानी है कि पहले आपकी स्कॉलरशिप आती थी और फिर आपकी फीस रिफंड होती थी, मतलब कि आज की तारीख में आपकी स्कॉलरशिप आई और अगले कुछ 1 या 2 दिन बाद आपकी फीस रिफंड कर दी जाती थी, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि इस बार आपकी स्कॉलरशिप पहले नहीं आएगी, पहले आपका फीस रिफंड किया जाएगा। मतलब एडमिशन के समय आपने अपने स्कूल में जो फीस एडमिशन समय दी थी वो आपको पहले प्राप्त होगी, तथा स्कॉलरशिप आपको दूसरे नंबर पर प्राप्त होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको फीस रिफंड में स्कॉलरशिप दोनों ही प्राप्त होंगी, 99% तो सभी छात्र छात्राओं को उनकी स्कॉलरशिप तथा फीस रिफंड दोनों प्राप्त होंगे, लेकिन 1% छात्र ऐसे भी रह सकते हैं जिनको केवल उनकी रिफंडेबल फीस ही मिलेगी,
क्योंकि सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पहले सभी छात्र छात्राओं को उनके द्वारा जमा की गई फीस वापस करनी है, उसके बाद अगर सरकार के पास कोटे में बचा हुआ कोई बजट बचता है तो उसके बाद स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति के 16 लाख छात्र तथा अनुसूचित जाति के 7 लाख छात्र तथा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल तथा अल्पसंख्यक वर्ग अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के सभी छात्र छात्राओं को मिलाकर 50 लाख छात्र ऐसे हैं जिनको 26 जनवरी को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दोस्तों खबर यह है कि यह सब डेटा 23 तारीख तक संपूर्ण रूप दे दिया जाएगा तथा उसके बाद केवल आपको डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट 26 जनवरी को होगा क्योंकि 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन डे है, इसी दिन आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पर मैट्रिक वालों की 2 अक्टूबर के बाद आनी शुरू हो गई थी तथा पोस्ट मैट्रिक वालों की 26 जनवरी के बाद आनी शुरू होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो से थोड़ा ज्ञान मिला होगा तथा जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल लेटेस्ट वायरल विदर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें।